जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय श्री राम, जय श्री राम। एठी उपस्थित भाई और भौनी मनन को मोर नमस्कार। मैं देख रहा हूं यहां एक माताजी एक छवि लेके आई है। इस उम्र में भी वो कब से ऐसे ही खड़ी है। मां, मैं आपको प्रणाम करता हूं। अच्छा, जो लोग कुछ न कुछ चित्र पर, यहां तो हर घर में कला है, जरा एसपीजी के लोग एक के बाद एक जो लोग लाए हैं उनसे ले लीजिए। अगर आपने पीछे अपना नाम पता लिखा है तो मैं जरूर आपको धन्यवाद का पत्र भेजूंगा। सबसे ले लीजिए, बड़े प्यार से लाए हैं। वहां पीछे भी बहुत लोग हैं, अगर यहां के सिक्योरिटी वाले मदद करके इन बच्चों को, अगर उनकी बड़ी इच्छा होगी मेरे तक पहुंचने की, जरा पीछे काफी बच्चे हैं जो बहुत कुछ अच्छे अच्छे चित्र बना करके ले आए हैं। ये कला का भी सम्मान है, ये नई पीढ़ी के प्रति मेरा प्यार भी है और मेरी नई पीढ़ी की जागरूकता का मुझे आनंद भी है। शाबाश। ये कलेक्ट कर लीजिए भाई, देखिए कैसा बढ़िया राम और लक्ष्मण को बना करके लाए हैं। परमात्मा आप सबको इस कला साधना में बहुत शक्ति दें और कला साधना में बहुत आगे बढ़े आप लोग। ये मेरे लिए छोटी चीजें नहीं है। मैं जब रात को जाता हूं तो इसे एक एक को मैं देखता हूं और मेरे मन को छू लेता है। जरा उधर से भी देखिए, ये बच्चे कुछ न कुछ लेके आए हैं, जरा पीछे से ले लीजिए भाई, मेरी कोई मदद कीजिए। एकदम पीछे जो है, देखिए, ये प्यार मेरे जीवन में बहुत मूल्यवान है जी, मैं इस प्यार को कभी भूल नहीं सकता हूं। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। साथियों, 2024 का चुनाव कल शाम 5 बजे प्रचार अभियान समाप्त हो जाएगा। पूरे देश का चुनाव प्रचार अभियान समाप्त हो जाएगा। आज 2024 की मेरी जो चुनावी सभाएं रही हैं, उड़ीसा में भी अनेक बार आया हूं, आज उड़ीसा की मेरी ये आखिरी सभा है और ये सुखद है कि भगवान बलदेवज्जू और माता सुभद्रा के आशीर्वाद के साथ ये पड़ाव खत्म हो रहा है। मैं इसको पड़ाव इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 4 जून के बाद उड़ीसा विकास के एक नए सफर पर निकलने वाला है। और आज मैं आपके बीच आया हूं
इस पवित्र भूमि पर आया हूं तो एक चीज देने के लिए आया हूं और एक लेने के लिए आया हूं। जो लेने के लिए आया हूं वो आपने मुझे देना पड़ेगा और जो देने के लिए आया हूं वो मैं आपको बता दूंगा। बताऊं? जो लेने के लिए आया हूं आप देंगे? देखिए, सबसे पहले मैं लेने वाली बात कर दूं, मैं आप सबसे आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं और मैं आपको देने के लिए आया हूं 10 जून का निमंत्रण। 10 जून को भाजपा का मुख्यमंत्री उड़ीसा में शपथ लेगा और भाजपा का मुख्यमंत्री वो उड़िया की मिट्टी में पला बड़ा यहीं का बेटा या बेटी होगा। साथियों, उड़ीसा उस टोली से मुक्ति चाहता है जो उड़ीसा सरकार और उड़ीसा की संस्कृति पर कब्जा करना चाहती है। और इसलिए उड़ीसा ने तय कर दिया है, उड़ीसा में डबल इंजन की सरकार। भाइयों और बहनों, उड़ीसा ही नहीं पूरे देश ने तीसरी बार एक मजबूत सरकार पर मुहर लगा दी है। देश ने कांग्रेस के 60 साल और भाजपा के 10 साल का काम देखा है। 10 साल पहले तक भारत में दुनिया के सबसे बड़े घोटालों की खबरें आती थी, लेकिन हमारे 10 साल में सबसे बड़े और सबसे ऊंचे निर्माण की खबरें आती है। आज दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत में है। आज दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग भारत में है। एशिया के सबसे बड़े समुद्र सेतु में से एक अटल सेतु आज भारत में है। दुनिया की सबसे ऊंची टनल में से एक अटल टनल आज भारत में है। 10 साल में हमने नया संसद भवन बना करके देश को अर्पित किया है। 10 साल में हमने शहीदों के लिए नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया। कुछ लोगों को लगता होगा मोदी जी, नेशनल वॉर मेमोरियल मतलब क्या है? देश आजाद होने के बाद और खास करके 62 की लड़ाई के बाद हमारे देश की सेना बार बार मांग कर रही थी कि जो वीर जवानों ने बलिदान दिए हैं, हमारा देश का अपना एक शहीद स्मारक होना चाहिए, वॉर मेमोरियल होना चाहिए। आजादी के 70 साल बीत गए, जिनके दिल दिमाग में सेना के प्रति घोर नफरत पड़ी है, उस कांग्रेस ने वॉर मेमोरियल नहीं बनाया। ये आपका सेवक जब दिल्ली पहुंचा तो मैंने काम तय कर लिया कि मैं देश के जवानों की शहादत का सम्मान करूंगा, और आज वॉर मेमोरियल बन गया।
10 साल में हमने बाबा साहब आंबेडकर को समर्पित पंच तीर्थ बनाए, 10 साल में हमने भगवान बिरसा मुंडा का स्मारक बनाया, हमने दिल्ली में कर्तव्य पथ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित की, हमने अंडमान के द्वीपों के नाम देश के परम वीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखे। इन्हीं 10 सालों में देश को राष्ट्रीय शिक्षा नीति मिली। इन्हीं 10 सालों में अंग्रेजों के बढ़ाई दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता मिली। भाई और बहनों, ये लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन जो मैं बता रहा हूं ना, ये तो ट्रेलर है, ट्रेलर। आने वाले 5 साल तेज विकास के होंगे, भव्य निर्माण के होंगे। आने वाले 5 साल भारत को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करने वाले होंगे। आने वाले 5 साल भारत की संस्कृति और सामर्थ्य से विश्व को सराबोर करने वाले होंगे। भाइयों और बहनों, 4 जून के बाद जो 6 महीने हैं, उसमें देश विकास की एक नई रफ्तार पकड़ेगा। लेकिन इसके अलावा 6 महीने राजनीति में भी नया तूफान लाने वाले हैं। देश में जितनी भी परिवारवादी पार्टियां हैं, उनके कार्यकर्ताओं में निराशा चरम पर है। बार बार फेल होने वाले परिवारवादी नेताओं से उनके ही लोग सवाल पूछ रहे हैं। इसलिए अगले 6 महीने में हम परिवारवादी पार्टियों में एक नया बिखराव देंगे, देखेंगे, बिखर जाएगी। जय श्री राम। साथियों, देश को तोड़ने का सपना देख रही पार्टियों को उनके कार्यकर्ता ही तोड़ देंगे। साथियों, उड़ीसा की राजनीति में भी नया भूचाल देखने को मिलने वाला है। जिस तरह से बीजेडी के भीतर राजनीति हो रही है, उसका विस्फोट होते हुए हम देखेंगे। उड़ीसा ने हर चरण में भाजपा के एमपी और भाजपा के एमएलए के लिए बम्पर वोटिंग की है। उड़ीसा ने 25 साल बाद बदलाव के लिए वोट किया है। उड़ीसा ने दादन शासन को हटाने के लिए और उड़ीसा को विकसित बनाने के लिए वोट किया है। उड़ीसा ने भ्रष्टाचार राज को हटाने के लिए वोट किया है। उड़ीसा ने महाप्रभु के श्री रत्न भंडार को लेकर जो आशंकाएं हैं, उनको हटाने के लिए वोट दिया है। भाजपा आएगी और श्री जगन्नाथ मंदिर के
सभी चार द्वार भक्तों के लिए खोले जाएंगे। इसलिए उड़ीसा भाजपा को वोट दे रहा है। साथियों, उड़ीसा का चौतरफा विकास ये मेरा कमिटमेंट है। आपका जीवन आसान बने, आपकी चिंताएं खत्म हो, ये मोदी का संकल्प है। और इसलिए ही उड़ीसा से भाजपा ने बहुत ठोस वायदे किए हैं और मुझे खुशी है कि उड़ीसा और भाजपा ने मिलकर एक नया इतिहास रचने की तरफ कदम बढ़ाया है। उड़ीसा भाजपा ने हमारे किसान भाई बहनों को 3100 रुपए के धान एमएसपी के लिए निर्णय किया है और इसलिए हमारा किसान वोट कर रहा है। उड़ीसा की बहनों ने बड़ी आर्थिक मदद देने वाली सुभद्रा योजना के लिए वोट दिया है। उड़ीसा की बहनों ने मोदी की लखपति दीदी वाली गारंटी के लिए वोट दिया है। उड़ीसा के हर गरीब ने हमें इसलिए वोट दिया है ताकि यहां इलाज के लिए आयुष्मान भारत योजना लागू हो। उड़ीसा के हर परिवार ने इसलिए भाजपा को वोट दिया है ताकि 70 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों का इलाज मुफ्त में हो, फ्री में हो। उड़ीसा के हर परिवार ने इसलिए भाजपा को वोट दिया है ताकि पीएम सूर्य घर योजना से उनका बिजली का बिल जीरो, बिजली का बिल जीरो और सरकार को बिजली बेचकर हर महीने 2500-3000 रुपया अलग से कमा सके, ये मोदी की योजना है। साथियों, यहां पक्का घर देने की योजना में बीजेडी ने कितना बड़ा घोटाला किया ये आप भी जानते हैं। उड़ीसा ने भाजपा को इसलिए वोट दिया है ताकि उनका पक्का घर पक्का हो जाए, निश्चिंत हो जाए कि पक्का घर मिलेगा। अच्छा, मेरा एक काम करोगे आप लोग, जरा हाथ ऊपर करके बताइए, करोगे? देखिए, अभी आप अलग अलग इलाके में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, जहां भी आपको झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग नजर आ जाएं, कच्चे मिट्टी के घर में रहने वाले नजर आ जाए तो उनका नाम पता लिख करके मुझे भेज देना और उनको कह देना कि मोदी अपने तीसरे टर्म में आपके लिए पक्का घर बना देगा। ये बता देंगे। देखिए, आप बिल्कुल झिझकना मत, मेरे लिए तो आप ही मोदी है। साथियों, उड़ीसा में पानी है लेकिन किसान के खेत सूखे हैं। ये हालात बदलने के लिए उड़ीसा में परिवर्तन के लिए वोट दिया है।
मोदी दिल्ली से हर घर नल से जल देने में जुटा है। यहां सबको नल नहीं मिला, इस स्थिति को बदलने के लिए उड़ीसा वोट दे रहा है। उड़ीसा मोदी की मुफ्त चावल योजना में भी बीजेडी की लूट को खत्म करने के लिए वोट दे रहा है। उड़ीसा का किसान हो या नौजवान, बेटी हो या बुजुर्ग, हर कोई कह रहा है उड़ीसा रे प्रथम थर है ब डबल इंजन सरकार, उड़ीसा रे प्रथम थर है ब डबल इंजन सरकार। उड़ीसा ने ठान लिया है एक पद्मा दिल्ली के लिए और एक पद्मा भुवनेश्वर के लिए, क्योंकि दुई थरा पद्मा, दुई थरा पद्मा दुई गुना विकास। आप बोलेंगे दुई थरा पद्मा, दुई थरा पद्मा, दुई थरा पद्मा, दुई थरा पद्मा, दुई थरा पद्मा। साथियों, आज मैं एक ऐसा भी विषय उठा रहा हूं जिसकी चर्चा आज उड़ीसा के घर घर में है। ये विषय नवीन बाबू के स्वास्थ्य से जुड़ा है। जो नवीन बाबू के हितैषी है वो आज उनकी तबीयत को लेकर चिंता में है। कई ऐसे लोग जो बरसों से नवीन बाबू को जानते हैं वो मुझे बताते हैं कि अब नवीन बाबू के लिए कई प्रकार की कठिनाइयां हैं, और इसलिए उनको कई प्रकार की कठिनाइयां हैं। इन लोगों को ये भी शंका है कि उनकी तबीयत बिगड़ने के पीछे कोई साजिश हो सकती है। शायद उम्र में वो मुझसे छोटे हैं, उम्र में मैं उनसे बड़ा हूं, तो लोगों का चिंता होना बहुत स्वाभाविक है। इस आशंका को लेकर बीजेपी बहुत गंभीर है। भाजपा ने तय किया है कि उड़ीसा में भाजपा सरकार बनने के बाद इस मामले की जांच होगी। एक स्पेशल कमेटी का गठन किया जाएगा। ये कमेटी सारी सच्चाई सामने लाएगी कि अचानक उनकी तबीयत ऐसी कैसे गिर रही है। भाइयों और बहनों, केंद्रपाड़ा सहित पूरे उड़ीसा की सबसे बड़ी ताकत यहां की कोस्टलाइन है। आज भारत एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर तेजी से काम कर रहा है। पूर्वी एशिया के साथ कनेक्टिविटी, ट्रेड और टूरिज्म पर हमारा बहुत फोकस है।
ये आपका अद्भुत प्यार 10 जून को क्या होने वाला है इसका ये सबूत है। साथियों, हम पारादीप जैसे हमारे बड़े बंदरगाहों को ट्रांसफॉर्म करने पर बल दे रहे हैं। बीते 10 वर्षों में मोदी सरकार ने देश के पोर्ट्स का कायाकल्प किया है। इसकी प्रशंसा आज पूरी दुनिया कर रही है। पारादीप पोर्ट आज देश के उन बंदरगाहों में से एक है जो सबसे ज्यादा कार्गो हैंडल कर रहा है। यहां सैकड़ों करोड़ रुपए के निवेश से नए बर्थ जोड़े जा रहे हैं। हरिदासपुर पारादीप रेल लाइन बनने से यहां का जीवन बहुत आसान हुआ है। यहां जब भाजपा सरकार बनेगी तो कनेक्टिविटी के हर प्रोजेक्ट और तेजी से पूरे होंगे। भाइयों और बहनों, मुझे जो कुछ करना है वो आपके लिए ही करना है। आप ही मेरी विरासत है। आप जितने ज्यादा एमएलए जिताएंगे उतनी ही ताकत आप मोदी को देंगे। मैं हमारे जो एमएलए उम्मीदवार है उनसे आग्रह करूंगा, जरा आगे आ जाए सब, वहां सारे जो एमएलए के कैंडिडेट है और आप मेरे मित्र बैजन जी को तो आप अच्छे से जानते ही हैं। ये बहुत कर्मठ और निष्ठावान इंसान है। इनको रिकॉर्ड मतों से विजयी बनाना है। और आप जब कमल पे बटन दबाएंगे ना तो ये सीधा मेरे खाते में जाएगा। तो भाजपा को जिताएंगे। अच्छा, मेरा भाषण करने से पहले मैं 2 मिनट वहां जाकर के आता हूं, फिर मैं आगे अपना भाषण चलाऊंगा। तो आप गांव गांव जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान करेंगे, मतदान कराएंगे, सारे पोलिंग बूथ जीतेंगे। अच्छा, मेरा एक काम करेंगे। नहीं, ढीले हो गए सारे, जरा दोनों हाथ ऊपर करके मजबूती से बताओ ना। मेरा एक काम करेंगे, देखिए अपने अपने गांव में, अपने अपने मोहल्ले में जरूर कोई न कोई देवस्थान होंगे, कोई न कोई पूजा स्थान होंगे जहां आपके गांव के लोग, मोहल्ले के लोग जाते आते रहते। मेरी तरफ से एक छोटा काम करना है, आप उस देवस्थान में जाइए और मोदी की तरफ से वहां जाकर के मत्था टेकना है। करेंगे और वहां जाकर के परमात्मा से आशीर्वाद मांगना है। मांगेंगे, लेकिन मोदी के लिए आशीर्वाद नहीं मांगना है, मोदी के परिवार के लिए आशीर्वाद नहीं मांगना है, आशीर्वाद मांगना है विकसित भारत बनाने के लिए, आशीर्वाद मांगना है विकसित ओडिशा बनाने के लिए। तो आप इतना काम करेंगे,
आज उड़ीसा की मेरी आखिरी सभा है। कल मैं पंजाब में एक सभा करने जा रहा हूं और चुनाव अभियान पूरा हो रहा है। आज इस खुशी में मैं बताता हूं, उड़ीसा ने मुझे जो प्यार दिया है ना, मैं कभी भूल नहीं सकता हूं। भगवान जगन्नाथ की कृपा और जनता जनार्दन के आशीर्वाद। अच्छा, मेरा एक काम करिए, अपना मोबाइल फोन निकालिए और मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट चालू कीजिए। सबके सब मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट चालू कीजिए। सब अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट चालू कीजिए। देखिए ये कैसा भव्य बदलाव आने वाला है। शाबाश, हर एक का मोबाइल का फ्लैश चलना चाहिए, हर एक के मोबाइल का फ्लैश चलना चाहिए। ये ऊर्जा जो मुझे उड़ीसा ने दी है, उसका ये प्रतीक है। जो भगवान जगन्नाथ ने मुझे प्रेरणा दी है, उसकी ये चमक है। मेरे साथ बोलिए, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। करो करो पाप से लड़ो लड़ो, आगे तुम बढ़ो बढ़ो।